प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही सादगी के साथ गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद रवि किशन और आला अधिकारियों ने भी जमीन पर बैठकर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन किया। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखनाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित आंवला वृक्ष के नीचे ही प्रसाद ग्रहण किया। दरअसल गोरखनाथ मंदिर की परंपरा है कि एकादशी का पारण भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बने भोजन से करते हैं। मंदिर के कर्मचारी और साधु संत एक साथ आंवले के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके नीचे बैठकर भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने किया था। कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। उनकी रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुड़ एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान शिव को, इसलिए आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को खिलाया, उसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी, तभी से यह परंपरा बनी हुई है।